स्वागत है आप सभी का न्यू लाइफ टिप्स की एक नई वीडियो में। तो चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आज देश भर के मौसम का हाल। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम जरूर बताएं, जिससे कि हम आपको डेली अपडेट करा सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके पास है बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बारिश का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है, तो वही पूरे प्रदेश में अभी तक झमाझम बारिश नहीं हुई है। इसके चलते यूपी के कई इलाकों में सूखे जैसी स्थिति हो गई है। तो वही इसी वजह से किसान भी परेशान है, क्योंकि धान की रुपाई में दिक्कत आ रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बनारसी समेत प्रदेश के तमाम जिलों में इन दिनों बारिश न होने से चलते उमस से लोगों को बेहाल हो गए। तो वही बुधवार की रात में बनारसी सटे एक जैनपुर और कुछ इलाकों में हल्की बारिश ने थोड़ी राहत दी थी, लेकिन अच्छी बारिश नहीं हुई थी। तो वही आपको बता दें, बीते महीने में शोध व्रत के वास्ते में मानसून उत्तर प्रदेश के दाखिल हो गए थे, लेकिन जिस तरह बारिश की उम्मीद मौसम विभाग को दी थी वैसी सी नहीं हुई है। बल्कि ये कहा जाता है कि बारिश हुई नहीं है। वही छोटी बारिश के अलावा पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश घटी है। तो वही उम्मीदवार बादल मिले हैं। तो वही बारिश न होने के चलते किसानों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। तो वही किसानों के लिए धान की फसल बचाना अब मुश्किल टास्क हो गया है। धान की रुपये करीब 300 तक सूख चुकी है। तो वही लखनऊ की मौसम निदेशक जेपी गुप्ता का कहना है कि फिलहाल यूपी में मानसून सामान्य बारिश के होते अभी करीब एक सप्ताह का इंतजार करना पड़ेगा। तो वही सोमवार को शाम 7:30 बजे, बुधवार को शाम 5:30 बजे, मंगलवार की सुबह 8:30 बजे तक दरमियान बरेली के जिलों में 7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा हापुड़, पीलीभीत, बीसलपुर में 6-6 सेंटीमीटर, झांसी में 4, बिजनौर में, नाजीबाद में, मथुरा में इलाकों में 2-2 स्थान पर, मेरठ में 1 सेंटीमीटर बारिश की गई है। लेकिन प्रदेश में अन्य हिस्सों में लोगों को बारिश अभी भी इंतजार है। तो वही बारिश की बात की जाए तो 29 जून को सोनभद्र के वास्तव में दाखिल मानसून ने अब तक राज्य में मानसून वर्षा के मुकाबले महान 35% ही बारिश की। तो वही राज्यों में 48 जिलों में अब तक झुटपुट बारिश होने से सामान्य से 40% कम है। तो वही 20 जिलों में बारिश आने से 40-60% बीच बारिश हुई है। तो इसी वजह से खरीफ फसलों की बुवाई और धान की रुपाई लगातार प्रभावित हो रही है। अब तक मात्र 28% रुपाई हो पाई है। उत्तर प्रदेश में 194.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। दोस्तों, यह आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मौसम से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।